अगर मुसलमान देशभक्त हैं तो वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मुसलमान भाई वंदे मातरम नहीं कहते, इसलिए वो देश के गद्दार हैं और नारे लगाते हैं कि अगर यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ऐसे वंदना का अर्थ है स्तुति, और स्तुति ही पूजा है। इंसान जिसकी पूजा करता है उसी की वंदना करता है, और जिसकी पूजा नहीं करता उसकी वंदना नहीं करता। कण कण में भगवान है ऐसा मानने वाला हिंदू भारत माता की वंदना करके यानी वंदे मातरम कह के गर्व महसूस कर सकता है, गर्व महसूस करता है। लेकिन एक मुसलमान के लिए ठीक उल्टी चीज है वो, उसके लिए कितनी मुश्किल चीज है। इसका ये इसकी दलील है कि मुसलमान होने की शर्त, यानी एक व्यक्ति जब मुसलमान, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, तो बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं, मुसलमान बनने की शर्त है कि अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद के अल्लाह के रसूल हैं। ये दो गवाहियां हैं। ये पहली गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान परमेश्वर को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके किसी का आदर कर सकता है, किसी का सम्मान कर सकता है, प्रेम कर सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकता। दुनिया के मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक आदर करते हैं, लेकिन आपकी वंदना नहीं करते, क्योंकि वह वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है ऐसा मानने वाले मुसलमान अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ का आदर करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं करते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। इसी तरह इस देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस भारत माता को बहुत प्यार करते हैं, इस भारत माता का बहुत आदर करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। इस भारत माता पर अगर कोई संकट आ जाए, कोई खतरा हो जाए, तो इस देश के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकते हैं, पर गर्दन झुका नहीं सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं।